तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट पोस्ट प्लगइन्स के बारे में। रिसेंट पोस्ट प्लगइन होता क्या है कि बेसिकली वो काम क्या करता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट दिखाता हूँ। देखें, ये देखें, जैसे ये वेबसाइट डिस्प्ले हो गई है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ये देखें डील्स एंड कूपन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे जो ये दो चीज़ें लगी हुई हैं, ये दो पोस्टें लगी हुई हैं। तो इस तरह की पोस्ट कैसे लगाई जाती है अपनी वेबसाइट में? हमारे पास वेबसाइट में रीसेंट पोस्ट साइट पे आ रही है, लेकिन जस्ट क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। तो हमने अपनी रीसेंट पोस्ट को इस तरह लगाना है कि यहाँ पर ये पिक्चर भी हो, इसको अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकें। यहाँ पर हम पूरा लिंक लगाएंगे और तमाम चीज़ों को हम एक्टिवेट करेंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह हम अपनी रीसेंट पोस्ट को अपनी वेबसाइट में लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पर दोनों वेब लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर देना है, उसके बाद आप लोग आ जाओगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपने कहीं पर भी नहीं जाना, आपने जाना है डायरेक्ट प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाने के बाद यहाँ पर करना है ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पर आपके सामने जब प्लगइन खुल के आ जाएंगे तो आपने कौन सा वाला प्लगइन सर्च करना है? हमने सर्च करना है रीसेंट पोस्ट प्लगइन, ठीक है। ये आपका बेसिकली कहाँ पर लगेगा वो प्लगइन के साथ ही शो हो जाएगा कि वो कहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे रीसेंट पोस्ट विजेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीसेंट पोस्ट वाला प्लगइन होगा वो कहाँ पर यूज़ होगा? विजेट्स में यूज़ होगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपने ये पहला वाला प्लगइन है रीसेंट पोस्ट विजेट विद थंबनेल्स, इसी को ही आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल। जब इंस्टॉल हो जाएगा इसको आपने क्या कर देना है, एक्टिवेट। यहाँ पर हम कर देंगे इसको एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बेसिकली आपका कहाँ पर शो होगा, हम अभी इसको देख लेते हैं कि ये किस जगह पे शो होगा, ठीक है। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, हम जाएंगे अपने अपेयरेंस में और हमने कहाँ पर जाना है, विजेट्स में, ठीक है। जब हम विजेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास विजेट्स हमारे सामने आ गए हैं। तो ये देखें, ये रीसेंट कमेंट्स हैं और ये रीसेंट पोस्ट की हेडिंग क्रिएट हुई पड़ी है। यहाँ पर हमारे सामने रीसेंट पोस्ट शो नहीं हो रही, मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है, ऐड ब्लॉक लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये चीज़ आपके सामने हो जाएंगी। इसको हम करेंगे ब्राउज आल पे, तो वो जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे हम उसको देख लेते हैं कहाँ पर है, वो ये नज़र आ गया ना आपको, ये रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये चीज़ आ जाएगी। वो कह रहा है कि अगर आप टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने रीसेंट पोस्ट का टाइटल दिया हुआ है। अगर आप उसको ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पर भी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर वो बता रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी शो होंगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से उतनी ही शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कि मेरी कितनी पोस्ट शो हों, 3 पोस्ट। ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट डेट वाइज शो हो, टाइटल वाइज शो हो, मतलब किस तरह का ऑर्डर हो उसमें, मतलब किस तरह तरतीब से शो हो, ठीक है। सॉर्ट हमने उसको कैसे करना है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ पोस्ट टाइटल, आपके पोस्ट की टाइटल अगर 1000 से अबव हो तो वो शो हो या ना हो, जितना करेक्टर लिखेंगे उतना करेक्टर ही शो होगा। आप यहाँ पर अपने ऑथर का नाम शो करवाना चाहते हैं कि भाई आपका आर्टिकल किस बंदे ने पोस्ट किया है, तो उसका ऑथर का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑथर का नाम अभी क्या शो होगा, एडमिन। अगर कोई और दूसरा बंदा, दूसरे बंदे ने आर्टिकल अगर लिखा है तो अगर उसका नाम शो हो जाएगा, तो जब आप शो पोस्ट ऑथर पे लिखेंगे तो उसका नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैटेगरीज वाइज भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद शो डेट पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डेट भी शो होगी, मैक्सिमम लेंथ कितनी आ जाएगी, आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी 55 वर्ड की आ जाएगी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ये कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें उसके बाद आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अभी जाके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि किस तरह का शो होगा, फिर हम थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद हमने अपनी वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पर हम विजिट साइट पे जाएंगे। विजिट साइट पे जाने के बाद हम जब यहाँ पर जाएंगे तो हमारे सामने रिसेंट पोस्ट अभी शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया। हम इसको कर देते हैं अपडेट, जब ये यहाँ पर सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश। तो ये देखें, ये पोस्ट शो हो गई है, ये पिक्चर शो हो गई है, ये ऊपर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है गैलरी, ये लिखा हुआ है कि बाय एडमिन, एडमिन ने ये पोस्ट किया और ये डेट भी आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये उसका आर्टिकल का नेम जिसको टाइटल बोलते हैं, ये उसका ऑथर का नेम और ये डेट आ रही है, तो ये यहाँ पर पिक्चर आ रही है। तो इस तरह की पोस्ट को आप लगा सकते हैं। ये कितनी पोस्ट आ रही है, 3, आप अपनी मर्जी की जितनी मर्जी पोस्ट लगा दें। अब यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 75 75, अगर आप इसको 100 100 करेंगे तो आपके थंबनेल का साइज़ भी 100 100 हो जाएगा। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप चेक करके देख सकते हैं कि किस किस तरह की चीज़ें यहाँ इसके अंदर एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसको करेंगे अपडेट। अपडेट होने के बाद जब ये अपडेट हो गया तो यहाँ पर आप इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद देखें, पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से पिक्चर का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी रिसेंट पोस्ट को इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हम अपनी रिसेंट पोस्ट को प्लगइन के साथ किस तरह लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।